देश में किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, वहीं किसान अपनी समस्या को लेकर लगातार पूरे देश में आंदोलित है। जहां राजधानी लखनऊ में भी किसान भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से हजारों किसान एकत्रित हुए। पंचायत का उद्देश्य किसान कृषि विधेयक बिल को वापस लेने का था, जहां पर लगातार इसके लिए आंदोलन भी छिड़ा हुआ है। वहीं पर बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ एवं अनेक मुद्दों को लेकर महापंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव के नेतृत्व में मनीष यादव ने बताया कि उनका अनिश्चितकालीन धरना निरंतर जारी रहेगा जब तक कि सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती। वहीं आपको हमने बताया कि महापंचायत का उद्देश्य जिस तरह से कृषि विधेयक बिल को वापस लेने का था, जहां पूरे देश में इसी बिल को वापस लेने के लिए आंदोलन छिड़ा हुआ है। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा मंडी में भी भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का धरना जारी है। महापंचायत के माध्यम से किसानों ने अपनी समस्याओं को रखा और उन्होंने कहा धरना जब तक चलेगा जब तक ये कृषि विधेयक बिल वापस नहीं लिया जाएगा। ये डालते हैं हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट पर नजर। ऐसी कभी घोर न सरकार आए न कभी आएगी, हमेशा देश के प्रधानमंत्री किसानों के हित की बात करना चाहिए, लेकिन ये पहला ऐसा राजा हुआ है जो किसानों के साथ छल करने का काम कर रहा है और किसानों को लूटने का गुमराह करने का काम कर रहा है। हमारा देश का निदाता कौन है ये सभी जानते हैं, किसान है, किसान नौजवान, किसान दिन रात मेहनत करता है तब जाके कहीं अपना परिवार चला पाता है। और हम लोग का पेट भरने का, पूरे उत्तर प्रदेश का पेट भरने का काम करता भारत का वो किसान करता है। आज लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो काले कानून ला है वो केवल किसान को और गरीब और परेशान का काम परेशान करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया, जो भी आप लोग कह रहे हो सकता है किसी के पास एक किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस पंचायत में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा राकेश सिंह चौहान जी, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सब के लिए जिस तरीके से राकेश चौहान दादा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप ही सबके हित की बात, जो किसानों की हमेशा लड़ाई लड़ने वाले सुख दुख के साथी मनीष यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई अतुल जी जो जिला अध्यक्ष हैं, भाई सालिक राम जी और मंचा सिंह, सभी नेतागण और मातृशक्ति हमारे साथ चल के आए। सूर्य की सीमा पर, लखनऊ की सीमा पर, सीतापुर की सीमा पर, बाराबंकी की सीमा पर जगह जगह किसानों को रोक दिया है, उनको पंचायत में आने से रोका जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या जेपी नेताजी के बाप का लखनऊ है? उनकी पंचायत में सरकारी खजाने से सरकारी पैसा खर्च करके बुला के उनकी भीड़ दिखाई जाएगी, और जो किसान अपनी बात कहने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहा है उसको जबरदस्ती रोका जा रहा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये लोकतंत्र है कि राजशाही है? या हम भारतीय जनता पार्टी को और देके पुनः अंग्रेजों की हुकूमत को फिर से वापस ले आए हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है किसानों की। जनाब, पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है और सरकार जो है एक भी कदम पीछे हटने को राजी नहीं है, ऐसे में आपके मुताबिक सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा केवल है कि किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को बेवकूफ बनाओ, बेवकूफ बना के हिंदू मुस्लिम धर्म जात बिरादरी मंदिर मस्जिद गीता के नाम पर लड़ा के वोट ले लो, और केवल उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने की नीयत, क्योंकि उद्योगपतियों ने अरबों करोड़ रुपया सरकार बनाने में खर्च किया है, तो ये एहसान मोदी जी उतारना चाहते हैं, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा के देश के किसानों का गला घोटना चाहते हैं, जो किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तीनों किसान विरोधी बिल तो अंततोगत्ता वापस करने ही पड़ेंगे, ये बन गई है सरकार के गले की फांस। अगर सरकार ने तीनों बिल वापस नहीं किए तो 24 तक न किसान घर जाएगा, न तीनों बिल लागू होने देगा,
और 24 में मोदी जी को कुर्सी से हटाने के बाद, दूसरा प्रधानमंत्री बनाने के बाद, कानून वापस कराने के बाद ही किसान घर जाएगा, ये किसान ने मन बना लिया है। प्रधानमंत्री जी से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो किसान प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि जिन गरीब किसान मजदूरों ने आपको आंखों का तारा मानकर, आपकी एक एक बात को मानकर, आपके नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देके आपकी सरकार बनाई है, तो आप ये तीनों किसान विरोधी बिल वापस करके किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के आंख का तारा बने रहिए। ऐसा न हो यह तीन बिल वापस न करके आप किसानों की आंख की किरकिरी बन जाए, और जब आंख की किरकिरी कोई बन जाता है तो किसान उसको मसलने में देर नहीं लगाता। इस आंदोलन को आप किस रूप तक ले जाएंगे? अंतिम क्षणों तक ये आंदोलन अब यहाँ पर चलेगा। आज तो केवल ये यहाँ पर बानगी आई है, आज यहाँ पर तो ये समझाने के लिए आया गया है। ये धरना समाप्त नहीं होगा, ये धरना अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि इस धरने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी पूरे समर्थन के साथ खड़े हुए हैं, और संदीप पांडे जी खड़े हुए हैं, अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरुमुख सिंह जी इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली में भी जाएगा और लखनऊ में इस धरने को समर्थन देने के लिए समस्त किसान संगठन, समस्त सामाजिक संगठन एक मत होकर सहयोग कर रहे हैं। अब यह धरना अनवरत चलेगा, और जब तक सरकार किसानों की मांग को पूरी नहीं कर देती है तब तक यह धरना समाप्त नहीं किया जाएगा।